हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बल्ब से लगने वाले, गर्मियों में बल्ब से लगने वाले पौधों के बारे में, जिन्हें आप मार्च अप्रैल में आराम से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला पौधा आ जाता है हमारा काला लिली का। ये काला लिली जो होती है, ये सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा से इसकी स्प्राउटिंग होती है। मैंने इसका बल्ब कैसे लगाया था, बल्बस प्लांट कैसे लगाएं, ये भी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, विज़िट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी लिंक, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो हमारा पहला पौधा जो है ये काला लिली है। इस पर बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। बिना फूल के भी ये बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि इसके पत्ते कुछ चितकबरे टाइप से होते हैं, वाइट वाइट से स्पॉट होते हैं उन पे। तो फ्रेंड्स, आप मार्च अप्रैल में रजनीगंधा पे सफ़ेद कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं। मैंने ये इसके बल्ब्स लगाए हैं, अभी इनकी स्प्राउटिंग हो रही है अच्छे से, बहुत ही जल्दी ये पौधे निकल आएंगे और इन पर फूल भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप लगा सकते हैं, आपके घर को ये खुशबू से भर देगा, बहुत ही खूबसूरत इससे फूल आते हैं, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आती है। तो फ्रेंड्स, बल्बस प्लांट को हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी की रिक्वायरमेंट बल्बस प्लांट की बहुत कम होती है, क्योंकि जो बल्बस प्लांट होते हैं गर्मियों में तो आप फिर भी दे दें, पर जो गर्मियों के बल्ब्स वाले पौधे होते हैं उन्हें सर्दियों में पानी एक महीने में एक ही बार दें। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप बल्ब लगाएंगे तो बल्बस जो प्लांट होते हैं, एक बार आप लाएंगे बल्बस प्लांट महंगे तो मिलते हैं काला लिली का प्लांट, अगर आप पूरा ग्रो हुआ लेंगे तो काला लिली का जो प्लांट होता है वो नर्सरी पर 300 से लेकर 600 रुपये तक मिलता है, तो कितना महंगा प्लांट है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बल्ब्स ले लें, बल्ब्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, 200-250 रुपए में आपको 2-3 बल्ब काला लिली के मिल जाएंगे, और रजनीगंधा के तो 8-9 बल्ब आपको इतने 200-250 रुपए में मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बल्ब लेने की कोशिश करें, ना कि पौधा, क्योंकि पौधा आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। और मैं भी अपना बजट देख के गार्डनिंग करती हूँ, तो जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्लांट हमारा आ जाता है, ये खूबसूरत सा प्लांट है हमारा रेन लिली का, जिस पे बारिश की बूंद पड़ते ही आपको फूल मिलेंगे, उससे पहले फूल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मान लीजिए जून जुलाई में इसके फूल खिलेंगे जब पहली बारिश होगी। तो फ्रेंड्स, ये भी बल्बस प्लांट है, इसे बल्ब से, सीड से, इसे तो आप सीड से भी लगा सकते हैं और बल्ब से भी लगा सकते हैं। मैंने ये प्लांट, मेरे पास नहीं थे सीड से ग्रो किए, मेरे पास वाइट है, कई सारे कलर्स में आपको ये मिल जाएंगे। और बल्बस प्लांट की एक ख़ास बात होती है कि आप एक बार लाएंगे और इतने सारे बल्ब्स आपके पास बन जाएंगे कि आप ये मान लिए बांटते बांटते थक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगला प्लांट हमारा ये आ जाता है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को भी आप आराम से गर्मियों में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें स्प्राउटिंग हो रही है और बहुत ही अच्छे से ये मेरा बल्ब चल रहा है। तो इस तरह से आप इसका भी बल्ब लगा सकते हैं, डैफोडिल्स का भी, और एक बल्ब से कई सारे बल्ब आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगला प्लांट हमारा आ जाता है फुटबॉल लिली। अभी इसकी स्प्राउटिंग नहीं है हुई है, जल्दी इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है थोड़ी बहुत स्प्राउटिंग इसमें होने लगी है, कुछ महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बल्ब से लगाया था करीबन 5-6 साल पहले, मैंने ये लगाया था और मेरे पास इतने सारे बल्ब इसके हो गए। बहुत ही खूबसूरत है, इस पर फूल आता है, पर एक ही बार इस पर फूल आता है और वो एक महीने तक फूल रहता है। बस आप उसे शेड में रख लें, उसके ऊपर बारिश नहीं पड़नी चाहिए, अगर बारिश पड़ेगी तो वो ख़राब हो जाएगा। सर्दियां होते ही, फॉग स्टार्ट होते ही इसके प्लांट्स मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर गर्मियाँ होते ही, तेज़ गर्मियाँ होते ही इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला बल्ब से लगने वाला प्लांट आ जाता है हमारा ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप बल्ब से लगा सकते हैं, इसमें छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, उनसे आप इसे लगा सकते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इस पे भी देखिए, इस तरह से वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, अगला प्लांट हमारा आ जाता है ये स्ट्रोमेंथा। स्ट्रोमेंथा को भी आप बल्ब से लगा सकते हैं, इसमें छोटे छोटे से बल्ब होते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए, शाम होने के टाइम ही ये कैसे अपनी पत्तियों को छुईमी की तरह सकोड़ लेता है
और जैसे इन पर रोशनी पड़ती है ये इन्हें खोल लेता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, फूल तो नहीं आते पर फूलों से खूबसूरत लगता है। अगला बल्ब से लगने वाला प्लांट हमारा आ जाता है ये पीस लिली। पीस लिली को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका छोटा सा, इसमें बहुत बड़ा तो नहीं होता पर छोटा सा बल्ब निकलता है, उसे आप डिवाइड करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और आप बहुत ही खूबसूरत इस पर वाइट कलर के फूल आते हैं। इसे अपने गार्डन में ऐड करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ये प्लांट अलग इसमें से बना के लगाया है बल्ब को डिवाइड करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगला प्लांट हमारा आ जाता है अमरेस लिली। अमरेस लिली को भी आप गर्मियों में बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस पर फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगती है, कई कलर्स में मिल जाती है। एक बार बल्ब लगाएंगे तो गमला बल्ब से भर जाएगा। तो इस तरह आप अमरेस लिली को भी अपने गार्डन में ऐड करके अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं।